वेलकम टू क्यूबेक कनाडा। आज का दिन है 6 जनवरी 2024। बाहर बर्फीली हवाएं चल रही हैं और यहाँ पे पिछले दो दिनों से भयंकर स्नो स्टॉर्म आया हुआ है। तापमान है अराउंड -15 डिग्रीज और फील्स लाइक -20। रास्तों पर ब्लैक आइस और स्नो दोनों जमे हुए हैं। खैर, वेलकम बैक टू द व्लॉग गाइस, और आज के वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि इस वीडियो में आप देखेंगे दो पागल हिंदुस्तानी जो इस खौफनाक वेदर का फायदा उठाते हुए निकले हैं 300 किलोमीटर की रोड ट्रिप पे फ्रॉम मॉन्ट्रियल, और हमारा पहला डेस्टिनेशन है क्यूबेक का सबसे ऊंचा वाटरफॉल जिसका नाम है मोंटमोरेंसी फॉल्स। 83 मीटर ऊंचा ये वाटरफॉल नायग्रा फॉल से भी ऊंचा है, और आप देखोगे अभी विंटर में ये जमा हुआ है। इसके बाद हम पहुंचे हमारे दूसरे डेस्टिनेशन में जो इस ट्रिप का मेन हाईलाइट है, होटल द ग्लेस और क्यूबेक का मोस्ट फेमस आइस होटल। इस होटल की खास बात यह है कि ये एक आर्टिस्टिक मास्टरपीस है। इसे हर साल नए से बनाया जाता है, एंड इसको बनाने के लिए हर साल देश के कोने कोने से आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर्स को बुलाया जाता है टू कोलैबोरेट एंड बिल्ड समथिंग एज यूनिक एज दिस। वैसे तो इस होटल को हर साल बनाने में कुछ 5 से 6 हफ्ते का समय लगता है, बट आप यकीन नहीं करोगे, टू टेक दिस ऑल डाउन इट टेक्स जस्ट 4 to 5 आवर्स। एंड इवन दो इस होटल के वॉल, सीलिंग, फर्नीचर हर कुछ आइस से बना हुआ है, ये फिर भी अंदर से इंसुलेटेड रहता है टू कीप यू वार्म एंड कोजी। खैर, बहुत बड़ा ट्रेलर, अब पिक्चर स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो अभी हम हैं क्यूबेक के एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन में जिसका नाम है मोंटमोरेंसी फॉल्स। तो ये जो सामने आप वाटरफॉल देख रहे हो, ये है मोंटमोरेंसी वाटरफॉल। ये कनाडा का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। बहुत लोग सोचते हैं कि नायग्रा फॉल्स है वो, लेकिन ये गलत है। ये नायग्रा फॉल्स से भी 30 मीटर ऊँचा वाटरफॉल है, और आप देख रहे हो साइड में एक जगह से पानी फ्लो हो रहा है, लेकिन ये जो साइड वाला जो वाटरफॉल है लेफ्ट में, ये पूरा फ्रोजन है। अभी बाहर का तापमान है अराउंड -11, विंड स्पीड है अराउंड 21 किलोमीटर पर आवर, तो ठंड तो है। पिछले साल भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से हम यहाँ पे आ नहीं पाए थे, भले ही हम क्यूबेक सिटी तक आए थे, और ये क्यूबेक सिटी से कुछ 20 मिनट की ड्राइव पर है, बट क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड होती है, और पिछले साल जब हम लोग आए थे क्रिसमस के टाइम, इतना स्नोफॉल हो रहा था कि हमारी हिम्मत नहीं हुई थी यहाँ तक आने की। और यहाँ व्लॉग बनाना तो हद से ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज बाहर आप पॉकेट से हाथ निकाल के रखते ही जम जाते हैं। और विंड नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है। और आप पीछे व्यूज़ देखो, मतलब व्यूज टू डाई फॉर। हाँ, ये है जहाँ पर वो गोंडोला चलती है, और समर्स के समय आप जिपलाइन लेके पूरा ऊपर तक जा सकते हो वाटरफॉल के, इतना तो कूल लगता है वो। इस बार लकीली फिर भी आज के दिन ठंड कम है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है विंड कम चल रहा है, या तो विंड ऊपर ज़्यादा होता है। हम लोग जब लास्ट टाइम आए थे तो ऊपर आए थे, तो मतलब मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। ये तो बहुत ही सुंदर है। बहुत ठंडा है।
क्या बेबी, कैसा लग रहा है? बहुत ब्यूटीफुल है यार। ठंडी है ना? हाँ, अभी मैंने इंडिया में घर वालों को दिखाया तो कहते नार्निया नार्निया चली गई हो। पर ये नार्निया से कोई ज्यादा अलग नहीं लग रहा है, ये प्रॉपर विंटर वंडरलैंड ही है यहाँ का। भाई इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, ठंड है यार। ये मैंने दो दो ग्लव्स कर रखे और दोनों स्नो ग्लव्स है बाय द वे। ये नीचे वाला ब्लैक है, ऊपर वाला पिंक है। दो दो ग्लव्स, चार चार मोजे। हाँ, फिर भी मेरे पैरों की उंगली और हाथों की उंगलियां जम रही है। पता नहीं यार कैसे जीते लोग यहाँ पे। पर हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर भी जा सकते हैं, पीछे एक और पार्किंग है, वहाँ से पार्क करके फिर हम लोग वो क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन वो हम लोग लास्ट टाइम कर चुके हैं, तो वहाँ तक घुमा के ड्राइव करके जाने का कोई पॉइंट नहीं है। एकदम नाक से पानी निकल रहा है और निकलते ही जम जा रहा है। सही है यार, नेचर में यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल इतना अच्छा है, सब हाँ वो तो अच्छा है, सब कुछ बहुत प्योर है। अगर आप लोग कनाडा में कभी भी क्विबेक आते हो तो मॉन्टमोरेंसी फॉल्स को ज़रूर चेकआउट करो। बहुत सारे लोग यहाँ पे सिर्फ नायग्रा फॉल्स के ही बारे में जानते हैं और सब नायग्रा फॉल्स ही जाते हैं। तो नायग्रा फॉल्स काफ़ी सुंदर है, बट ये भी अपने में काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे समर्स में भी काफ़ी एक्टिविटीज़ होते हैं और विंटर में तो आप देख ही रहे हो। वो तो अभी किस्मत ख़राब है कि वो गोंडोला बंद है, क्योंकि अगर गोंडोला ऑन होता तो अभी गोंडोला में ऊपर जाने का फ़न ही अलग होता। मॉन्टमोरेंसी फॉल्स तो कंप्लीट, बट अब हम यहाँ से निकलेंगे हमारे सेकेंड डेस्टिनेशन में, जो कि है क्विबेक का विंटर वंडरलैंड। पीछे पीछे आंदा मेरी चल वेंदा आई, पीछे पीछे आंदा मेरी चल वेंदा आई, चिर वाले आ वेखदा आई वे, मेरा लौंग वाचा निगा मारदा आई वे, मेरा लौंग वाचा। पीछे पीछे आंदा मेरी चल वेंदा आई, पीछे आंदा मेरी चल वेंदा आई, चिर वाले आ चिर वाले आ चिर वाले आ वेखदा आई वे, मेरा लौंग वाचा निगा मारदा आई वे, मेरा लौंग वाचा आ मेरा लौंग वाचा। सो गाइस, अभी हम आए हुए हैं होटल द क्लास, होटल द क्लास। ये है क्विबेक का आइस होटल। तो इस होटल को हर साल एक डिफरेंट टीम ऑफ आर्किटेक्ट्स बनाते हैं, हर साल ये अलग होता है और इसको बनने में 6 हफ्ते लगते हैं, बट इसको टूट तोड़ के डिसमेंटल करके वापस फेंकने में 5 घंटे लगते हैं। तुमसे सबर नहीं होता ना, मतलब मैं बता रही हूँ ना। अच्छा बताओ बताओ अच्छा बताओ तो अम्मी बता ना, हटो। वो ये पूरा आइस का बना हुआ है ना। सो गाइस, अब हम आ गए हैं आइस होटल के अंदर। ये देखो, ये पूरा सॉलिड आइस है। बेबी आओ ना यार आइस के पीछे। पर्सपेक्टिव देखो आप बस। तुम एक वहां से शॉट लो, मतलब ऐसे मेरे को ऐसे जूम आउट करते हुए लो, पेट आगे कर लेते हो तुम बस। अरे जैकेट में कहां से पेट आ रहा है, जैकेट तो जैकेट ही है। ना रूम करा रसी है। अब बर्फ देखो बस, वाह 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 वाह, खूबसूरती। ओ माय गॉड, इतना वाइट है ये। आँखों में लग रहा है यार, आँखों में लग रहा है। हाँ काफी वाइट है ना भाई, इतना खूबसूरत है ये। ये प्योर वाइट कलर है। अब इसके अगेंस्ट आप कोई भी वाइट लगा के देख लो तो आपको समझ आ जाएगा आपने एग्जैक्टली। हमें स्नो में अपनी गाड़ी देख के पता चला कि हमारी गाड़ी एक्चुअली में ऑफ वाइट है। हाँ, हमें लगा था हमने वाइट BMW ली है, लेकिन स्नो में पता चला कि नहीं, ये तो ऑफ वाइट है। ये हॉट चॉकलेट मिल रहा है। सो अब चलते हैं इनमें से एक इग्लू के अंदर। ये देखो आप, यहाँ हर चीज आइस की है। ये देखो आप, ये आइस का स्लैब है। ये देखो, ये दरवाजे खुले रहे हैं इसलिए। वो
वाइब देखो आप बस। इसमें बैठ भी सकते हो आप भाई, इतनी खूबसूरत जगह है। इसके बारे में मैंने सिर्फ सुना था और आज मेरे को यकीन हो गया है। देखो ये सारे जो बेंच हैं ये सब आइस का बना हुआ है, सब कुछ आइस है। ये हमारे पीछे भी आइस है, सब कुछ आइस है। ओ मैन, पीछे पहाड़ी देखो आप। ओ, इतना तो वाइट है। चले अभी चेहरे पे जो जोर से हवा लगी है, एकदम बर्फ की थपकी। ओके ये आ गया दूसरा कमरा। देखो भाई क्या तो सॉलिड आइस से बना है। आइस के स्कल्पचर्स भी हैं भाई। देखो आप पूरा राइड बनाया है उन्होंने इसमें, क्या तो सही स्कल्पचर्स हैं। सो क्यूबेक जो प्रोविंस है वो पूरे कनाडा में अपने आर्ट आर्किटेक्चर इन सब के लिए जाना जाता है, बिकॉज इट्स अ फ्रेंच प्रोविंस। और इसलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो आइस स्कल्पचर्स बने हैं ये हर साल अलग होते हैं। जैसे हर साल एक नए बंच ऑफ आर्किटेक्ट्स को लाया जाता है और वो अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके कुछ नया बनाते हैं, और इसीलिए इसको हर साल देखने के लिए इतनी भीड़ होती है और इतनी ही मतलब एंटिसिपेशन होती है। कैसा लग रहा है बेबी? बहुत बढ़िया लग रहा है यार, क्या क्या तो बना रखा है, क्या क्या तो स्कल्पचर्स हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे ड्रिंक्स भी मिल रहे हैं, तो जल्दी यहाँ का ख़त्म करते हैं और वहाँ चलते हैं। तो यहाँ की स्पेशलिटी है ये, आपको आइस के ग्लासेस में वोडका क्रैनबेरी का ड्रिंक पिलाते हैं, ये तो मस्ट डू है। चल के देखते हैं। ये देखो आप वहाँ पे छोटा सा बार कैफे कर रहे हैं। ये है आइस के ग्लासेस, और ये कुछ स्पेशल ग्लासेस है जिससे ये आइस पिघलता नहीं, और ये आइस को भी कुछ अलग तरीके से जमाया जाता है, नॉट लाइक हमारे रेगुलर फ्रिज के जो आइस होते हैं। बड़े नहीं हो बातें बाद में, पहले थोड़ी गर्मी लाते हैं। ये देखो यहाँ पे फोर्ट बना के रखा है एक आइस का। क्या बेबी तुम्हें बनाना है? गिर मत जाना। क्या बेबी? ओ भाई ठंड के बारे में हालत ख़त्म हो गई है, पता नहीं जिन लोगों ने बुक किया वो रहेंगे कैसे पूरी रात, नो आइडिया। भाई यहाँ पे रुकने का 350 सबसे ज़्यादा ही है, $400-500 पर नाइट है, और इतना मुश्किल है यहाँ पे रहना, मैं तो कभी ना रहूँ। अच्छा हुआ मैंने पैसे नहीं ये टिकट खरीद के। एकदम मस्त आपको स्लीपिंग हीटेड स्लीपिंग बैग में घुसा के सुलाते हैं। टू कोल्ड। चलो अब अगले सेक्शन में चलेंगे। भाई कितना वाइट, और अभी रात को तो ये पूरा लिटअप हो जाएगा, पूरा लाइटिंग हो जाएगा इसमें। चलो ये आते हैं, अब हम जा रहे हैं गुफा नंबर 3 में। हाँ क्योंकि बेंच पे बैठोगे तो जम जाओगे ना बेंच पे।
बेड पे बैठना मन है। अच्छा कमरे ओ अच्छा ये फिर किसी का कम। अच्छा यहाँ पे लोग रुकते हैं रात में? ओहो हो आप देखो बस। तो हम लोग अभी जहाँ पर है ये प्रॉपर होटल है, यहाँ पे सब कमरे रात को 8 बजे के बाद एक्टिव हो जाते हैं। ओह मैन ये है आपका क्वींस रूम। ये डिलक्स रूम है। ओहो यहाँ रात को सोने में से मजा तो आएगा यार, है बेबी? बहुत मजा आएगा, लेकिन हाँ मुझे स्लीपिंग बैग में सोने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठंडे से इतने ठंड में वो भी नाइस। तो ये देखो कितना बढ़िया इन्होंने वो लगा के रखा है फायरप्लेस, लेकिन ये फायरप्लेस ज़्यादा गर्म नहीं करेगा क्योंकि अगर ये ज़्यादा गर्म करेगा तो आइस मेल्ट हो जाएगा, इसलिए रात को ये सब सिर्फ शो के लिए है। और इसमें आप वो हीटेड स्लीपिंग बैग और इन सब के अंदर लद के सो जाओ। बट भाई माहौल आए हाय। ये है कमरा नंबर 3, छोटा सा है लेकिन आप देखो रात को सोओगे और नीचे से ऐसे एकदम बत्ती जलेगी। तुमने नोटिस किया सिर्फ पर्दे हैं कमरे के बाहर? हाँ तो यहाँ पे और कुछ आस पड़ोस जो लोग सो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रात को जब तुम सोते हो तो पूरा लॉक हो जाते हो अपने स्लीपिंग बैग के अंदर। ओह ओहो हो किंग साइज रूम है बेबी। हाँ देखो ना कुछ तो बना रखा है यार, यहाँ पे सपने भी अलग ही लेवल के आएंगे अगर आए तो, जो कि होगा अगर तुम सोए तो। ये देखो पुराने जमाने के लोगों ने ये बनाया था केव में, जो कि अभी 4 महीने में पिघल जाएगा। जो ये पूरा जो आर्किटेक्चर जो पूरा सब कुछ देख रहे हो मेरा अराउंड, ये सब आइस का बना है, सब टेम्पररी है। ओह यहाँ पे और कमरे हैं, ये देखो ये एक और कमरा है। नहीं नहीं ये डबल बेड है। अच्छा ट्विन ये फैमिली के लिए है। ओ वाओ तो ये थोड़ा सा बच्चों का रूम है, इन्होंने थीम रूम्स बनाए हुए हैं। ये देखो आप ये एक्सबॉक्स का गेम पैड बना हुआ है और आप ये देख रहे हो ये तो काफ़ी ठंडा है देखो, और ये पूरा आइस के बेड पे बना है। ठीक है अगर आप एल्सा हो तभी सो सकते हो इस पर, तो इस पर कैसे सोते हैं? इसमें रात को 8 बजे के बाद फिर हमारी एंट्री बंद हो जाएगी और जो गेस्ट यहाँ पे रात बुक करे वो आएंगे तो उनको ऐसे गरम गरम स्लीपिंग बैग्स में डाला मतलब सोया जा उनको प्रोवाइड किया जाता है जिसके अंदर आपको सोना है। और रात को अगर आपको एक नंबर जाना है तो फिर या तो दबा लो या तो डाइपर पहन लो, मुझे नहीं पता यहाँ अंधेरे में कैसे ही जाएगा आदमी। बस सही है, काफ़ी सही है। मेरे पैर बहुत ज्यादा जम रहे हैं। पैर जम रहे हैं बहुत ज्यादा, कितना? अभी ठंड तो बहुत ज्यादा है। हाँ। पैर तो जमेंगे यार, तुमने कितने मोजे लगाए थे? 4 लगाए थे फिर भी जम रहे। बताओ 4 मोजे पहनने के बाद भी पैर जम रहे हैं भाई, और ये विंटर शूज भी है। ओह खूबसूरती लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है खूबसूरती। ये देखो ये छोटे से इग्लूज है, क्या है ये? बाथरूम है, स्पा है, आई थिंक ये स्पा है। नहीं नहीं स्पा है, स्पा है, स्पा है, हीटेड स्पा है, टॉयलेट नहीं है ये। ये हमारे पीछे है स्पास, जो लोग यहाँ पे ये सब यूज करेंगे फैसिलिटीज। ओह हो ये देखो आप क्रिसमस ट्री भी भरा हुआ है। हाँ मुझे पता है आगे रस्सी है। क्या आपने इससे खूबसूरत कोई भी जगह पहले कभी देखी है? मैंने तो नहीं। ये टॉयलेट है जिसको अंदर अपने अंजर औजार जलाने वो जमाने वो जाए अंदर आग सेक ले थोड़ा बैठ जाते हैं यहीं पे। भाई थोड़ा आग सेक ले अब, ठंड में हालत टाइट हो गई है। गाइस अब हमारे आइस होटल का ट्रिप ख़त्म हो गया है, काफ़ी एक्साइटिंग डेस्टिनेशन था, काफ़ी मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अंधेरा हो रहा है अब यहाँ पे और अराउंड 4 बज गए और बहुत ठंड बढ़ रही है, तो अब हम जाएंगे अपने होटल की तरफ जो कि यहाँ से अराउंड 50 मिनट की ड्राइव पर है।
वो क्यूबेक सिटी से मॉन्ट्रियल की तरफ थोड़ा सा नीचे है, मतलब क्यूबेक सिटी से अराउंड 20 मिनट मॉन्ट्रियल की तरफ। तो अब हम लोग निकलेंगे उसके लिए, और फिर कल कुछ और एक्टिविटीज प्लान्ड है वो करेंगे, और सीधे मॉन्ट्रियल। इश्क की कतार में ना भाग यूं बेकार में, जरा संभल के चलो मेरी जान, ये जो दिखे वो है नहीं, किसी का इस पे बस नहीं, बिखर गए हैं इसमें कितने हाल, ये मीठा सा जहर लगे, अफीम की लहर लगे, कि ढूंढना भी अब लगे नशा, ये आग की कहर सी है, मगर लगे सहर सी है, कि जलने में भी